जमशेदपुर के जुगसलाई नगर परिषद में कार्यरत ठेका सफाई कर्मचारियों ने अपने विभिन्न मांगों को लेकर आंदोलन का रूप अख्तियार कर लिया है, जहां सभी सफाई कर्मचारी नगर परिषद कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन कर कार्यपालक पदाधिकारी का ध्यान अपनी मांगों की तरफ आकृष्ट करते नजर आ रहे हैं। राज्य सरकार द्वारा निर्धारित सरकारी रेट पर वेतन देने, काम के दौरान सुरक्षा उपकरणों को उपलब्ध कराने, बोनस की मांग और अपने पहचान पत्र की मांग को लेकर लगभग 50 की संख्या में ठेका सफाई कर्मचारियों ने जुगसलाई नगर परिषद कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन कर कार्य को पूरी तरह से बाधित कर दिया। वहीं जानकारी देते हुए सफाई कर्मी टिंकू मुखी ने बताया कि लगातार मांग किए जाने के बावजूद इनकी मांगे पूरी नहीं हो रही है, थक हार कर ये आंदोलन का रूप अख्तियार किए हैं। अगर इनकी मांगे पूरी नहीं की गई, तो लंबे समय के लिए अपने काम को बाधित कर हड़ताल पर चले जाएंगे। हम लोग साफ सफाई कर्मचारी हैं, जो झारखंड सरकार जो हम लोग को रेट दिया गया है वो रेट हम लोग को मिल रहा है। हम लोग को जो साल में छुट्टी पैसा होना चाहिए वो मिल रहा नहीं, साल में जो बोनस मिलना चाहिए वो बोनस मिल रहा नहीं, जो हम लोग को सेफ्टी कार्ड जो होना चाहिए डिपार्ट का जो होता भाई ये आइडेंटिटी कार्ड आपको दे रहे हैं वो आइडेंटिटी कार्ड हम लोग को दिया गया नहीं। वो आइडेंटिटी कार्ड देगा तब तो पहचान रहेगा कि हाँ यहाँ का मजदूर है हम लोग, सेफ्टी कुछ दे रहा नहीं। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि आप लोग यहाँ पर किसी ठेकेदार के अधीन कार्यरत हैं कि परमानेंट हैं, क्या है? हम लोग अभी ठेकेदार का अधिकारी से हम लोग काम कर रहे हैं। जो रेट हम लोग को मिलना चाहिए, कितना मिलना चाहिए? जो झारखंड सरकार रेट जो लागू किया है वो रेट कितना रेट है आप लोगों का? अभी झारखंड सरकार का रेट रहे कुछ 500 कुछ लगभग रुपया है। आप लोग को मिल कितना रहा? अभी हम लोग को कट छाट के मिलता है 7010 रुपया। न्यूज विंग के लिए जमशेदपुर से गंगाधर पांडे की रिपोर्ट।